साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक महत्वपूर्ण वीडियो में। सभी पेंशनर्स के लिए, फैमिली पेंशनर्स के लिए नवंबर का महीना खास होता है। नवंबर के महीने में लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होता है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एक महत्वपूर्ण जानकारी इसी संबंध में दी गई है, जो कि 6 अक्टूबर 2023 को उनके द्वारा जारी की गई है। द डिप्टी जनरल मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस चेन्नई नॉर्थ, चेन्नई साउथ, चेन्नई तिरुची, कोयम्बटूर, मदुरई वगैरह के लिए जारी की गई है, लेकिन ये जो नियम है यहाँ ऑल इंडिया में लागू होगा। तो 6 अक्टूबर 2023 को लेटर जारी किया गया है। इसमें क्या क्या जानकारी दी गई है? सबमिशन ऑफ लाइफ सर्टिफिकेट बाई SBI ऑब्लिक IBI पेंशनर्स एंड फैमिली पेंशनर्स एट एनी ब्रांच ऑफ द बैंक, यानी कि SBI के जितने भी ग्राहक हैं वहाँ अपना लाइफ सर्टिफिकेट अपने किसी भी ब्रांच में, SBI की किसी भी ब्रांच में जमा कर सकते हैं, चाहे फैमिली पेंशनर्स हो या पेंशनर्स हो। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात है कि आप का यदि SBI में अकाउंट है तो आप अपने होम ब्रांच में नहीं भी हैं तो आप नॉन होम ब्रांच में भी लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। यहाँ पर रेफरेंस दिया गया है जो कि सर्कुलर इनके द्वारा 3/6/2011 को जारी किया गया था। नंबर दो जो पॉइंट है, इन द कंसर्न एज सबमिशन ऑफ लाइफ सर्टिफिकेट बाई SBI ऑब्लिक IBI पेंशनर्स एंड फैमिली पेंशनर्स कमेंसेस फ्रॉम 1/11/2023, काइंडली एडवाइज ऑल ब्रांचेज अंडर योर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल टू एक्सेप्ट लाइफ सर्टिफिकेट ऑफ SBI IBI पेंशनर्स एंड फैमिली पेंशनर्स ऑफ नॉन होम ब्रांच ऑल्सो। एक्चुअल में लेटर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अपने ब्रांचों को लिखा गया और यहाँ पर कहा गया है कि जितने भी SBI के पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं, वहाँ 1/11/2023 यानी कि 1 नवंबर 2023 अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करेंगे। तो जितने भी ब्रांच हैं उनके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल को यहाँ पर लाइफ सर्टिफिकेट एक्सेप्ट करने के बारे में कहा गया है। और जो नॉन होम ब्रांच के हैं, यानी कि आपका यदि अकाउंट उस SBI ब्रांच में नहीं भी है तो आप किसी भी अन्य ब्रांच से भी वहाँ पर अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। अभी बताया गया कि ब्रांच व्हिच रिसीव द LC, यानी कि जो ब्रांच लाइफ सर्टिफिकेट एक्सेप्ट करते हैं, मस्ट प्रोवाइड एक्नोलेजमेंट टू द पेंशनर्स। आपको उनको एक रिसिप्ट देना होगा पेंशनर्स को, एंड द फॉलो द एक्सटेंड गाइडलाइंस फॉर ऑथराइजिंग द सेम इन HRMS। और आपको जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें क्या क्या नियम फॉलो करने उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। स्टाफ के लिए है जो हमारा लाइफ सर्टिफिकेट जमा करेंगे, बैंक के स्टाफ के लिए एम्प्लॉयज सेल्फ सर्विस, उसके बाद PF पेंशन और ग्रेजुएटी पेंशन रिलेटेड सर्विस, और उसके बाद अप्लाई लाइफ सर्टिफिकेट, ये ऑप्शन उनको चूज करने होंगे लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए। अप्रूवल के लिए क्या है कि मैनेजर अप्रूवल, PF पेंशन ग्रेजुएटी पेंशनर्स रिलेटेड सर्विस अप्रूवल और अप्रूव लाइफ सर्टिफिकेट, ये अप्रूवल के लिए है। चौथा जो पॉइंट है कि ब्रांच आर एडवाइज टू कंप्लीट LC ऑथेंटिकेशन। ब्रांचेस को एडवाइज किया जाता है कि वहाँ लाइफ सर्टिफिकेट जो ऑथराइजेशन है उसके प्रोसेस को कंप्लीट करें, देयर इंड ओनली, वहीं पर ख़त्म करें उसको, और नॉट सेंड लाइफ सर्टिफिकेट टू पेंशन पेइंग ब्रांच फॉर ऑथराइजेशन। जो पेंशन का पेइंग ब्रांच है उसको कुछ नहीं भेजना है, वहीं पर उसको ख़त्म करना है। प्लीज एडवाइज ब्रांचेज दैट नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ LC। ब्रांचों को एडवाइज किया जाता है कि नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ लाइफ सर्टिफिकेट, यानी कि जो ब्रांच लाइफ सर्टिफिकेट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, नॉन होम ब्रांच, यानी कि आपका अकाउंट किसी दूसरे SBI में है और आप कहीं और दूसरे SBI से जमा कर रहे हैं, यदि वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो उनके ऊपर वेरी जो है सीरियस मैटर होगा, आपको जमा करना ही होगा, आपको एक्सेप्ट करना ही होगा। यदि आप नहीं करेंगे तो इसको बड़े सीरियसली लिया जाएगा। यहाँ पे संजीव कुमार जी हैं जो कि डिप्टी जनरल मैनेजर एंड CDO हैं, उनके द्वारा यहाँ साइन किया गया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण लेटर है और जिसमें बताया गया है कि जितने भी SBI के पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं, वहाँ अपने ब्रांच में यदि नहीं भी जमा कर रहे हैं लाइफ सर्टिफिकेट, आप कहीं सर्विस कर रहे हैं, तो आप किसी भी ब्रांच से अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं, SBI का ब्रांच हो।